लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजार येट बोनाफाइड। ये एक तरह का 6 एपिसोड का पॉडकास्ट सीरीज है जो कि बेस्ड है एक हॉरर स्टोरी पर जो कि शो करता है हिस्ट्री ऑफ द क्वारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ द क्वारी के बारे में। मैं मेन गेम की स्टोरी की बात नहीं करने वाला हूँ। मेन गेम से पहले जब द क्वारी गेम रिलीज होने वाला था उसके कुछ महीने पहले 6 एपिसोड का पॉडकास्ट रिलीज हुआ था जो कि एक तरह की स्टोरी थी जो कि बेस्ड है टोटली ऑन द क्वारी हिस्ट्री। यानी कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कुछ भी इवेंट हुए हैं द क्वारी गेम में उसके बहुत पहले की कहानी है। ये स्टोरी उससे अलग है और यही स्टोरी मेन द क्वारी स्टोरी लाइन को बिल्डअप करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं बिजार येट बोनाफाइड के पहले एपिसोड में। यहां पर मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले एपिसोड के बारे में और ट्रस्ट में ये बहुत भयानक और जबरदस्त होने वाली है। तो आपका लाइक सपोर्ट करेगा चैनल को आगे बढ़ने में, तो फिर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो और आपको ऐसे ही ढेर सारे गेमिंग थ्योरीज में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो नाउ सिट बैक, रिलैक्स, जस्ट हैव अ लुक। बिग थैंक्स टू आवर चैनल मेंबर्स डेथ स्ट्रोक, ग्रीक गॉड, लेथल, लिखित रणछोड़, अश्मित पवार, गुड मेंबर सोनाली चौधरी, टास्क स्ट्रीम और हमारे डायमंड मेंबर आई एम प्लश। आप चाहते हैं हमें सपोर्ट कर सकते हो चैनल पे बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको जाना है ज्वाइन बटन पे, वहां पर ज्वाइन पे क्लिक करना है और जो भी आपको बेस्ट प्लान लगे वो आप सेलेक्ट कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है हर वीडियो का अर्ली एक्सेस और भी कई सारे बेनिफिट। सो जस्ट चेक आउट द ज्वाइन बटन राइट नाउ। ये कहानी हम दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के जुबानी सुनते हैं जिनका नाम है ग्रेस कॉर्बिन और एंटोन एंड्रीसन, जो कि एक केस पे काम कर रहे हैं और वो केस है द मिसिंग वुमेन्स बॉडी इन द वुड्स। यानी कि क्वारी में एक वुमेन की बॉडी मिली है और वो बॉडी थी लेकिन अब वो वहां से गायब हो चुकी है और उसी के ऊपर ये पूरा बेस होने वाला है। यहाँ पर आपको मालूम चलेगी हिस्ट्री ऑफ हैकेट्स क्वारी, जो कि आपने असल में सोचा भी नहीं होगा द क्वारी गेम से। एपिसोड 1 द वुमेन इन द वुड्स। ग्रेस और एंटन यहाँ पर एक मिस्टीरियस केस के बारे में बात करते हैं कि 6 टीनेजर्स एक मिस्टीरियस जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर उनमें से एक सभी लोगों से अलग हो जाता है। वहां पर जो अलग होता है उसे वहां पर एक वुमेन की लाश देखने को मिलती है और वही देख के वो सब वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगेन जब वो वापस आते हैं साथ में पुलिस को लेके तब वहां पर उन्हें वो बॉडी नहीं देखने को मिलती। लेकिन ताजुब की बात यह है कि वहां पे कोई भी ड्रैग मार्क्स देखने को नहीं मिलते। यानी कि अगर हम ये भी माने कि उसे कोई वहां से कोई जानवर या फिर कोई भी उस लाश को वहां से रगड़ के लेके गया है तो उसके बावजूद भी हमें वहां पर निशान देखने को नहीं मिलते कि कोई इसे रगड़ के लेके गया हो। वहां पे कोई भी ड्रैग मार्क्स नहीं होते, जैसे कि वहां पे कोई बॉडी थी ही नहीं। वहीं पर हमें ग्रेस एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली जो ये हादसा हुआ है वो न्यूयॉर्क के एक हैकेट वुड्स में हुआ है जो कि एक बहुत भयंकर जंगल है और लोगों के हिसाब से वो जंगल एक्चुअली शापित है। जहां पे हम बात करें कि एक्चुअली वो पहले एक बहुत बड़ी खदान थी लेकिन अब वो एक प्राइवेटली ओन्ड लैंड है, यानी कि अब उसे किसी ने बाय कर लिया है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद एंटोन ये सोचता है कि उसके हिसाब से जो बॉडी है उसे कोई भालू वहां से लेके गया है या फिर वहां के जो जमींदार हैं उन लोगों ने उन पुलिस वालों को बुलाया होगा जिसके वजह से डर के मारे जो भी वो सारे बच्चे थे उन्होंने ये बहाना बनाया कि उन्हें एक लाश मिली है जंगल में और वो अब गायब हो चुकी है। वहीं पर जो ग्रेस है वो एंटन की थ्योरीज को ना मान के ये एज्यूम करती है कि जो बॉडी है वो एक्चुअली खाई गई है। उस लाश को कोई एक अननोन क्रिएचर ने खाया होगा। अब ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि एक्चुअली उस डेड बॉडी के पीछे मिस्ट्री क्या है क्योंकि उन दोनों के पास फिलहाल अभी कोई भी प्रूफ नहीं है कि असल में वहां पर हुआ क्या। वहीं पर ही वो दोनों एक बॉय से बात करने को सोचते हैं जिसे कि वो लाश मिली थी। उसके बाद वो दोनों आपस में ही चर्चा करते हैं इस मिस्टीरियस केस के ऊपर और यहीं पर ही एपिसोड 1 द एंड होता है। यहां से शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम है द बॉय हु क्राइड बिगफूट। यहीं पे एंटोन और ग्रेस का नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट पॉडकास्ट शुरू होता है जहां पर वो अपने ऑडियंस को वही सारी मिस्टीरियस केस के बारे में रिकॉल करते हैं कि एपिसोड 1 में क्या हुआ।
वहीं पर ग्रेस ये कंफर्म करती है कि उसने उस बॉय से बात करी जिसे कि वो लाश मिली थी, और उस बॉय ने ये साफ साफ कहा है कि जो भी उसने देखा यानी कि वो लाश, वो एक्चुअली रियल था। और उस बॉय को लगता है कि जंगल में वहां पे कुछ ऐसा है जो कि लोगों को मार रहा है, इंसानों को मार रहा है, ह्यूमन को मार रहा है, जिसके वजह से वो चाहता नहीं था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस समर कैंप में भेजे जो कि असल में वही वुड्स के पास है, वही जंगल के पास है जहां पर ये हादसा हुआ। यहीं पर ही ग्रेस एक बिग फूट के बारे में चर्चा करती है और वो बात करती है मिसिंग पीपल्स इन नेशनल पार्क्स इन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर वो लापता लोगों और दफनाने की जो आदत थी बिग फूट की, उसके बारे में वो बात करती है। मींस द मिस्टीरियस एप मैन ऑफ आवर वर्ल्ड। आपने ये कई मूवीज में देखा होगा, एक बहुत बिग मंकी काइंड ऑफ मैन जिसके बॉडी में हेयर होते हैं और जो कि ज्यादातर डेंस फॉरेस्ट में रहता है या फिर माउंटेन्स में रहता है। यहाँ पर ज्यादा जिक्र मिलता है उसका नॉर्थ अमेरिका या फिर नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स में। और वो अगेन दोनों के दोनों इसी टॉपिक पर वापस आते हैं, द टॉपिक ऑफ द मिसिंग वुमन कॉर्प्स। सो यहाँ पर दोनों का शक कहीं ना कहीं बिग फुट पर जाता है यानी कि द बिग मंकी। लेकिन यहाँ पर ग्रेस बिगफुट को लेके कुछ मजाक करती है जो कि एक्चुअली रियलिटी में एक मजाक ही होता है। लेकिन उसके बाद ग्रेस ये कहती है कि जिस दिन वो लाश उस बॉय को मिली थी, अपस्टेट न्यूयॉर्क में जितने भी लोग मिसिंग हुए थे, वुमेन मिसिंग हुई थी, उन सब के बारे में वो छानबीन करेगी। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड होता है। वहीं पर एपिसोड 3 शुरू होता है जिसका नाम है मिसिंग प्रेज्यूम्ड डेड। यहाँ पे एपिसोड 3 शुरू होता है जहाँ पर ये चीज रिवील होती है कि ग्रेस और एंटन ने फाइनली उस मिसिंग बॉडी को, डेड बॉडी को पहचान लिया है, यानी कि जो शख्स की वो बॉडी है उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है। और यहाँ पर वो नाम निकल के आता है एना रेडक्लिफ का। और वहीं पर ही ये चीज भी रिवील होती है कि एक्चुअली वहां पे दो लोग थे और वो दोनों हाइकर्स थे। एक का नाम था एना रेडक्लिफ जिसकी बॉडी है, ये हम समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल से वही होगी, और एक है एड बेंसन जो कि उसके साथ ही था। और वहां पर उन्हें एक आर्टिकल मिला था जहां पे जिक्र था दो हाइकर्स के मिसिंग होने का, वो भी अपस्टेट न्यूयॉर्क यानी कि वही द हैकेट्स वुड्स में। वहीं पर जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे उनका मानना था कि जो हाइकर्स हैं वो एक्चुअली जंगल में जानवरों के थ्रू मारे गए हैं, या फिर वहीं कहीं जंगल में ही वो किसी और चीज का शिकार हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत घना जंगल था तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मिसिंग हाइकर्स के जो फैमिली वाले थे, जो उनके जानने वाले थे, रिलेटिव्स थे, उनका मानना था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो हाइकर्स थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे और प्लस वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और वो इन सब चीजों से पहले भी निपट चुके थे। यानी कि यहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने कहा है हाइकर्स के बारे में, वो सारी बातें मिसिंग हाइकर्स के रिलेटिव्स मना कर देते हैं मानने से, क्योंकि उनको ये नहीं लगता। लेकिन ग्रेस अभी भी यही मान रही थी कि एक्चुअली इस घटना में कहीं ना कहीं हाथ है बिग फूट या फिर क्रिप्टाइड्स का, यानी कि ये लोग वो जानवर हैं जो कि असल में रियल नहीं होते लेकिन कई कहानियां मानती है कि वो रियल होते हैं, जैसा कि बिग फूट था, वो द बिग मंकी, वैसा ही कुछ ग्रेस के मुताबिक यहाँ पर है, इस वुड्स में है, और उसी का काम है जो भी ये लाश मिली है या फिर जो हाइकर्स मिसिंग हुए हैं उन सब के बारे में। वहीं पर ही ग्रेस की बात को ना मान के एंटोन ये कहता है कि असल में वो दोनों हाइकर्स में भी वो दोनों जंगल में खो चुके थे, जिसके वजह से एड ने पैनिक में आते एनी को मार दिया, और इसके पीछे कोई और रीजन नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर ही ग्रेस भी अपने बातों पे टिकी रहती है कि असल में ये किसी घोस्ट का काम है, किसी सुपरनेचुरल क्रिएचर का काम है जिसने की एनी की जान ले ली और फिर उसके बाद एड को एक अलग ही डायमेंशन में लेके चले गया। और वहां पे जब उन लोगों ने उस डेड बॉडी को देखा तब उनके जाने के बाद वही घोस्ट ने एनी की जो बॉडी है वो वहां से हटा दी। वहीं पर घोस्ट पे ज्यादा ध्यान ना देकर एंटोन इस बात को भी रिफ्यूज कर देता है कि इस केस में घोस्ट को लाना एक्चुअली बेकार है। और यहीं पर ही एंटोन और ग्रेस दोनों ही इस कश्मकश में है कि आखिर वहां पे जंगल में हुआ क्या और मौत कैसे हुई एनी की। लेकिन यहाँ पर हमें अगेन सेकंड हाइकर एड बेंसन का कहीं भी जिक्र नहीं मिला है या फिर उसकी बॉडी नहीं मिली है, तो फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर बारी आती है एपिसोड 4 हंग्री फॉर रिवेंज, जहां पर अब तक आपने देखा कि एक बॉडी मिसिंग है, एक डेड बॉडी दिखी थी देन उसके बाद मिसिंग हो चुकी थी, और आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर दो हाइकर्स मिसिंग हो चुके थे और जो डेड बॉडी उन्हें मिली थी वो उन दोनों हाइकर्स में से किसी एक की थी जिसका नाम था एना रेडक्लिफ। यहीं पर ही ग्रेस और एंटोन अगेन उसी बात पर आते हैं, एंटोन के हिसाब से जो भी ये कहानी थी मर्डर की
बॉडी की, वो एक्चुअली एक मन घड़त कहानी थी जो कि उस बॉय ने बनाई थी ताकि जो उसकी जीएफ है यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो समर कैंप न जा पाए जो कि हैकेट स्क्वेरी में है, हैकेट्सवुड में है। लेकिन वहीं पर ग्रेस का मानना था कि नहीं, वो अलग बात है, बिकॉज हम ये चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि वहां पर दो हाइकर्स मिसिंग थे और वहां पर कोई भी बॉडी नहीं थी। सो कहीं ना कहीं ग्रेस के हिसाब से अगेन कहीं ना कहीं घोस्ट की एग्जिस्टेंस होती है इस केस में। और वो ये भी कहती है कि ऐसे ही कई सारे केसेस हैं जहां पे बॉडी डिसअपीयर हुई है विदाउट एनी ट्रेस। एपिसोड 4 जहां पे ये शो होता है कि जो ग्रेस है वो एंटोन को कुछ घोस्ट स्टोरीज के बारे में जानने को कहती है, वहीं पर ही एंटोन ये रिवील करता है कि ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जो कि सबने सुनी है कि कोई वाइट लेडी लोगों को पकड़ती है रास्ते में लिफ्ट मांगते हुए और जो भी लिफ्ट मांगती हुई उस वाइट लेडी की हेल्प करता है उसे वो मार देती है। ये उसका एक तरीका होता है शिकार करने का, वाइट लेडी की बात कर रहा हूँ, अ स्पिरिट ऑफ द वाइट लेडी। ये बात सुनकर ग्रेस भी यही कहती है कि ऐसा एक प्रकार का घोस्ट है जो कि अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई देता है। आगे चलकर ग्रेस एक स्टोरी का जिक्र करती है जो कि एक वेंचफुल फीमेल स्पिरिट्स की है, वो औरत जो कि बदला लेना चाहती है या फिर बदला लेती है मरने के बाद। वो यहाँ पे एक कहानी का जिक्र करती है जहाँ पर एक आदमी फौज में था और आदमी को ये शक था कि जो उसकी बीवी है वो उस आदमी के जाने के बाद उसे चीट करेगी, और यही सोच रखते हुए जब वो युद्ध में गया था तो उससे पहले उसने अपनी वाइफ को वहीं बेसमेंट पे लॉक कर दिया था। लेकिन उस आदमी की युद्ध में मौत हो गई और यहाँ पर जो उसकी वाइफ है वहीं पर बेसमेंट में ही भूख के मारे मर गई, जिसके वजह से बहुत लोगों का मानना था कि वो जो औरत है वो भूख के वजह से वो अपने ही पार्ट्स को ईट करने लग गई थी, अपने ही जिस्म को खाने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में खून बचा ही नहीं और उस तरह से उस औरत की मौत हो गई थी। वहीं पर ही एंटोन ग्रेस से ये पूछता है कि इस कहानी का क्या मतलब, इस घोस्ट स्टोरीज से हाइकर्स का क्या लेना देना। वहीं पर ग्रेस बोलती है उसने एक अफवाह सुनी है हैकेट्सवुड में, वहां पर एक वाइट लेडी देखी गई है, और एंड में वो ये कहती है कि वो भी उस जंगल में उस हैकेट्सवुड में जाना चाहती है भूत का शिकार करने। यहीं पर ही एपिसोड 4 का एंड होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आने वाले दो एपिसोड हैं एपिसोड 5 और 6 जो कि सबसे भयंकर एपिसोड हैं इस पूरी सीरीज के जो कि इस सीरीज को एंड करेंगे। सो आगे क्या होने वाला है, जल्द ही मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं कवर करूंगा एपिसोड 5 और 6 को, और भी कई सारी चीजें होंगी उसमें जो कि डायरेक्ट इशारा करती है हैकेट स्क्वेरी से। सो आई होप आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो। ये एक्चुअली एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जो कि मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और आपको अपनी आवाज में सुनाया है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज में ये कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। जाने से पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है कि चैनल पे क्या आने वाला है, और भी कई सारे अपडेट मैं वहीं पर देता हूँ। टिल देन मैं विकी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।